नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बिलखंडा गांव में भीड़ ने गौ तस्करी के शक में दो युवकों को जमकर पीटा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान बाबू भील के नाम से हुई है, तो दूसरे युवक पिंटू भील को चित्तौड़गढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना बिलखंडा के पास 13-14 जून की रात की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सर्किल ऑफिसर बेगुन राजेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़ित एक वैन में 3 बैल ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वे गायों की तस्करी कर रहे थे और उन पर हमला किया, हालांकि जानवर बैल थे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP में बगावत के एक दिन बाद ही पार्टी के अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। उनकी जगह सूरज भान सिंह को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब 5 दिन के अंदर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। LJP में एक दिन पहले ही बगावत हो गई है। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी तो चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए। इस बीच पशुपति पारस को LJP संसदीय दल का नेता चुना गया। उन्होंने LJP के 5 सांसदों के साथ जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की थी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी में टूट के बाद ट्वीट कर निराशा जाहिर की है और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को 29 मार्च 2021 को लिखे गए एक पत्र को भी साझा किया है। ट्वीट में चिराग ने लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। पत्र में चिराग ने अपने चाचा के साथ संबंधों में आई खटास का जिक्र किया है। पत्र में चिराग पासवान ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें पारस ने पार्टी का साथ नहीं दिया और पार्टी विरोधी बातें भी शुरू की। चिराग ने यह भी बताया कि कैसे उनको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पारस ने घर पर आना जाना कम कर दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनके घर पर हमला हुआ है। संजय सिंह इन दोनों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को जोर शोर से उठा रहे हैं। सांसद ने कहा कि दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके सरकारी घर पर यह हमला हुआ और यह राष्ट्रपति के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि BJP के नेता जितने चाहे हमले करवा लें, हत्या करवा लें, लेकिन वे राम मंदिर निर्माण में अगर चंदा चोरी होगी तो 1 नहीं 1000 बार बोलेंगे। वहीं इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम के साथ अपने करार को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि प्रशांत किशोर ने कई टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा है कि वे बंगाल चुनाव के बाद चुनाव प्रबंधन और रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। इसका सीधा मतलब है कि दीदी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसके अलावा 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होंगे। BJP के ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव से पहले TMC को छोड़कर पार्टी में आए थे, उनके बीच घर वापसी की होड़ लग गई है। बीरभूम के इल्लम बाजार इलाके में BJP कार्यकर्ता सोमवार को TMC के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें पार्टी में वापस लेने की मांग करने लगे। इन सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से उन्हें पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी घटना शायद आज़ाद भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुई है। हालांकि इन लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ और धरना देने के बाद 50 BJP कार्यकर्ताओं को TMC में वापस शामिल कर लिया गया। मुकुल राय की वापसी और राजीव बनर्जी के TMC नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के बाद BJP आलाकमान इसे लेकर सक्रिय हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को जब पार्टी के विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की तो 24 विधायक गैर हाजिर रहे। अब BJP आलाकमान परेशान हो गया है। ये 24 विधायक राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ये सभी TMC में लौट सकते हैं। इससे ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इन विधायकों को शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया जाना अखरा है। उत्तर प्रदेश में भी सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के 9 बागी विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में BSP के 19 विधायक जीते थे। इनमें से बाद में एक सीट पर BSP उपचुनाव हार गई थी तो 18 विधायक बचे थे। हालांकि BSP प्रमुख मायावती ने 11 विधायकों को अभी तक पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद BSP के पास अब केवल 7 विधायक हैं।
हालांकि निष्कासित विधायकों को अभी तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत दे दी है। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन तक चले थे। इस दौरान दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी थी। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर होता है। विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की कोशिश में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है। यदि ये मानसिकता आगे बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक साल पहले गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों को याद किया है और साथ ही केंद्र सरकार से सवाल उठाते हुए कहा है कि इस बात का अब तक इंतजार है कि सरकार सामने आए और देश को उन परिस्थितियों के बारे में सच बताए जिनमें यह अभूतपूर्व घटना घटी और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आना चिंता का विषय है और एक साल पहले इस विषय पर प्रधानमंत्री के अंतिम शब्द थे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें, लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को चीन की सेना के साथ हुए संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच अब संसद की सूचना व तकनीकी स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने संसद भवन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा है कि इस दौरान पैनल नए आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैनिपुलेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ को लेकर चर्चा करेगा। सऊदी अरब ने इस बार विदेशियों के लिए हज यात्रा रद्द कर दी है, जिसके कारण इस बार भारतीय लोग हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस फैसले के बाद कहा कि इस साल हज के लिए जो आवेदन मिले थे उन्हें रद्द किया जाएगा। बता दें, इस बार सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही हज जाने की इजाजत। उत्तर प्रदेश में अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और ढील दी जाएगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी ढील मिलेगी। नए नियमों के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। बिहार में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू पाबंदियों में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अब बिहार में 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक खुली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।